अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शगुफ्ता की दुनिया में आज आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सभी की दुआ से हम सारे लोग खैरियत से हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा कि हम लोग अरसलान गए हुए थे, उसी के बीच मुझे व्लॉग एंड करना पड़ा। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर और यहाँ का व्यू देखिए गाइस, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतना ज़्यादा अच्छा व्यू, वाह, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और म्यूज़ियम को देखकर तो दिल खुश हो रहा है। मतलब इतना ज़्यादा एंटिक बनाया गया है इसे, देखिए आप लोग कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं दुबई मॉल एंड बुर्ज खलीफा जा रहे हैं, इसी को क्रॉस करके ही जाना पड़ता है। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और आप लोगों को भी लेकर चलते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट्स कीजिए। गाइस अभी हम लोग दुबई मॉल में एंटर कर रहे हैं और आप लोगों को भी लेकर चल रहे हैं। आप लोग भी जाकर मेरे व्लॉग्स के माध्यम से पूरा दुबई मॉल घूमिए और मेरे व्लॉग्स को ढेर सारा प्यार दीजिए। हम लोग आ गए दुबई मॉल। तो फाइनली दुबई मॉल में एंटर कर चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ का व्यू बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा, ब्यूटीफुल, मैं क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी के बीच मेरी प्रिंसेस मिली, आप लोग कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह। मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये तो आप लोगों को मैं व्लॉग्स के माध्यम से दिखा ही रही हूँ। और यहाँ का व्यू देखिए, मतलब जस्ट अभी एंटर किए हैं, ये फ्रंट का ही मैं आप लोगों के साथ व्यू शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी अंदर लेकर चलते हैं, खुद भी अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या क्या है। सो गाइस अभी अशर का अज़ान हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। यहाँ का व्यू बहुत ही है ब्यूटीफुल। ये रही आपकी शगुफ्ता की दुनिया। और मॉल के अंदर गाइस इतना बड़ा एक्वेरियम देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। और यहाँ बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड है, देख सकते हैं आप लोग। और गाइस यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब शॉप में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, हर कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ। एंड देख सकते हैं यहाँ ज़्यादातर लोग घूम ही रहे हैं, मुझे तो वही देख कर लग रहा है। थोड़ा बहुत शॉपिंग कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, बाकी सारे लोग घूम रहे हैं और मैं भी घूम रही हूँ, देख सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा बड़ा मॉल है ना, जस्ट अभी हम लोग एक ही साइड घूमे हैं। तो अभी हम लोग आइसक्रीम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, देखिए
जस्ट अभी यहाँ एक आइसक्रीम हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा टेस्ट है, तो बहुत अच्छा टेस्ट था। तो अभी हम लोग सोच रहे आइसक्रीम ले या ना ले, क्योंकि ना अभी हम लोगों का पेट एकदम हाउसफुल है, जैसा कि आप लोगों ने देखा अरसलान में हम लोग बहुत कुछ खाए और खाने के बाद फिर वहाँ से निकले और यहाँ आ गए। तो अभी हम लोगों का पेट एकदम हाउसफुल है, क्योंकि हम लोग को अभी हज़म भी करना है खाना जो भी हम लोग खाए हैं। तो अभी हम लोग जस्ट ये टेस्ट किए हैं, बट लेना नहीं है हम लोगों को, तो इस वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी। और ये मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ बहुत ही अलग अलग ब्रांड का सारा सब कुछ मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना। तो आज हम लोग दुबई मॉल में आए हुए हैं, देख सकते हैं, और दुबई मॉल का नज़ारा बहुत ही है प्यारा, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये रहा हमारा लकी हमारे पीछे पीछे आगे आगे, हाँ साउथ सिटी है दुबई का, दुबई मॉल में हम लोग आए हैं। दुबई का बोल रहे हैं, मतलब इतने हम लोग ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं ना, फ्लो फ्लो में कुछ और भी बोल दे रहे हैं जो कि नॉलेज नहीं है जो तो बोलते हैं। ये मॉल इतना ज़्यादा बड़ा है कि चलते चलते आप थक जाइएगा, मगर मॉल ख़त्म नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। अलग अलग सब कुछ मैप बना हुआ है, कहाँ से कहाँ जाना है आप लोगों को, इतना ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण यहाँ पूरा जगह जगह में मैप है। और इसी के बीच नाइकी का शोरूम देख सकते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा शोरूम है ना, मतलब। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मॉर्निंग में निकले हैं होटल से और आज सारा दिन घूमना है हम लोगों को, एकदम रात के वक्त हम लोग घर जाएंगे, मतलब अपने रूम जाएंगे। और यहाँ देखिए अभी हम लोगों का पाँव आज बहुत हेवी दुखने वाला है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल के अंदर बेबी केयर, जैसा कि मैं आप लोगों को आगे भी बताया, यहाँ बच्चे लोगों के लिए भी स्पेशल रूम बनाया गया है, अगर आप बेबी को सुलाना चाहते हैं एंड बेबी का ड्राइपर वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए बच्चे लोगों का अलग अलग रूम बना हुआ है। तो वहाँ भी हम लोग अपने प्रिंसेस को लेकर जा रहे हैं, चेंज वेंज करना है प्रिंसेस का। और अभी हम लोगों का हबीबी भी सोने वाला है, क्योंकि उन लोगों का टाइम हो गया, तो अभी हम लोग वहाँ ही जा रहे हैं आप लोगों के साथ। यहाँ का व्यू भी शेयर कर रहे, देख सकते, इस तरह का सेक्शन अलग से बनाया गया बच्चे लोगों के लिए, तो मुझे ये देख कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ऐसे सेम हम लोगों का इंडिया में भी होने से कितना ज़्यादा अच्छा होता ना फ्रेंड्स, मतलब सोने के लिए भी बच्चे लोगों का स्पेशल जगह बनाया गया है ताकि बच्चे लोग ज़्यादा पैनिक ना हो। तो जैसा कि यहाँ सिम रिचार्ज होता है, तो भाई अभी मेरे फ़ोन में रिचार्ज करें, क्योंकि मुझे जो एयरपोर्ट से सिम मिला था ना वो 24 आवर्स के लिए ही वैलिडिटी था। तो यहाँ अभी मेरा नेट रिचार्ज हो रहा है, तो इसी प्रोसेस से रिचार्ज होता है, तो वही हो रहा है। मदर केयर में आए हैं अभी हम लोग। अभी मैं थक कर बैठ चुकी हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वॉक की हूँ, हम लोग सारे लोग इतने ज़्यादा मतलब वॉक किए ना कि मैं थक गई हूँ। तो यहाँ भी आकर मैं बैठी हूँ और थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा था, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रहा था, तो हम लोग कॉफ़ी लिए, तो अभी हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं सारे लोग। और दुबई मॉल में फुल्ली अलाउ है कि आप वीडियोस वगैरह व्लॉग्स वगैरह एंड कुछ भी शूट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ मतलब मना नहीं है, आप वीडियोस यहाँ ले सकते हैं। और यहाँ बाहर के भी हर जगह आप वीडियोस ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, टूरिस्ट प्लेस है एंड इसीलिए यहाँ ये सब बहुत ज़्यादा मतलब चलता है। और इसी के बीच मेरा चार्ज फ़ोन का जो है ना वो ख़त्म हो चुका है और मैं जस्ट अभी चार्ज लगाई हूँ, बैटरी एकदम 2% में आ चुका है। गाइस आईफोन का यही एक प्रॉब्लम है कि चार्ज ही बार बार ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना उन लोगों का पावर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो इस वजह से फ़ोन का पावर डाउन हो जाता है। तो इस वजह से अभी मैं चार्ज तो कर ली हूँ पर 20% ही चार्ज है फ़ोन में। मुझे लगता है मुझे और एक आईफोन की ज़रूरत है गाइस, तो ले लेंगे इंशाल्लाह। तो
गाइस मेरे प्रिंसेस और मेरे हबीबी दोनों ही सो गए हैं स्ट्रॉलर में। हम लोगों के दोनों ही बच्चे सो गए हैं। दुबई फाउंटेन में पहुंच चुके हैं गाइस और यहाँ का क्राउड देखिए, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ कि मुझे देखकर चक्कर आ रहा है। इसके अंदर हम लोग जा पाएंगे भी कि नहीं वो भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड। बुर्ज खलीफा भी देखना है और बहुत ज़्यादा भीड़ है, मुझे तो चक्कर आ रहा है गाइस, सीरियसली मुझे चक्कर आ रहा है ये देखकर। फिर भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी यार आप लोगों को भी लेकर चल रहे हैं अंदर, तो आप लोग भी चलिए। ये मेरी अम्मी, आप क्या बोलना चाहती है मेरी व्लॉग में, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, सलाम कीजिए। तो अम्मी से बात होने के बाद ना गाइज मेरा फ़ोन का चार्ज एकदम ख़त्म होने को, एकदम बंद होने को फ़ोन आ चुका है गाइज, सो सैड। और मुझे यहाँ रील्स वगैरह भी बनाना था। फिर भी मैं यहाँ दो तीन रील्स बनाई हूँ, अगर मेरा रील्स आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा आईडी पर भी जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक बायो पर मेंशन कर दूँगी। और ये सब थोड़ा थोड़ा सा मैं वीडियो ली हूँ और अब थोड़ी देर के अंदर हम लोगों को यहाँ से निकलना है। तो मेरा स्विच अब ऑफ हो गया है गाइस फ़ोन का। ये लगी देखा, वाह बहुत हैवी है, इंडिया का ताजमहल। मामा, प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस, देखो ना तालगांज तो पहन छोटी सी तालगांज। तो गाइस हम लोग रूम में आ चुके थे और थोड़ा बहुत अभी मैं फ़ोन चार्ज कर ऊपर वाले रूम जा रही हूँ, वहाँ लकी है क्योंकि मैं आप लोगों को ऊपर वाला रूम नहीं दिखाई हूँ व्लॉग में। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर वाले रूम, आप लोगों को भी लेकर चल रही हूँ, आप लोग भी चलिए। जा रहे ऊपर, तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, आकर सिर्फ एयरिंग्स वगैरह खोली हूँ। तो 6th फ्लोर आ चुका है, 610।
ओके 610 ये है हम लोगों का 6th फ्लोर और 610 उस साइड में, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 601 से 613, लकी 610 में है। तो अभी लकी, हाँ हम लोग के भी रूम में रूम सर्विस आके रूम साफ करके भागे। हम इतना तो क्लीन करके नहीं छोड़े थे अपना रूम। हाँ तो फिर से आके ये लोग सजा के गए हैं। हाँ तो पार्किंग में नहाए नहा के टावल वावल सब छोड़ छाड़ के गए आगे दिख रही इतना अच्छे से तो रखा। वाह क्या बात है, लकी का रूम ऐसे का वैसे। तो मैं जब से आई हूँ यहाँ का व्लॉग ही नहीं बनाई हूँ और मेरा लकी भाई यहाँ अकेला फोन चला रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए और हम लोग का होटल बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तो अभी भाईजान कॉल कर रहे हैं नीचे से कि हम तो रूम में ही हम लोगों का ऑर्डर आ चुका है डिनर। तो अभी हम लोग चलते हैं लकी लॉक गेट, सॉरी हो चुका है लॉक और अभी हम लोग चल रहे हैं क्योंकि बहुत तेज का भूख लग गया है और हम लोग थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। हमने किसी के व्लॉग में ना मे भी शायद हम किसी के व्लॉग में ना ये रूम मतलब ये होटल देखे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हम किसी के तो व्लॉग में ये वाला होटल देखे, पता नहीं पट किसका देखे। यहाँ का भी बहुत हैवी व्यू, एकदम रॉयल वाला व्यू है, चेयर है बैठ जाए एकदम रॉयल वाला चेयर है, बहुत अच्छा। तो हम लोग दिन में भी अरसलान में लंच किए थे और अभी डिनर में भाईजान ऑनलाइन ऑर्डर कर चुके हैं तो आ चुका है अरसलान से हम लोगों का डिनर, बिरयानी चिकन चाप पराठा और उसके बीच मैं यहाँ चाय भी पी रही हूँ देख सकते हैं। चाय पीने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था और गाइस आज तो मेरा पाँव जवाब दे चुका है क्योंकि मेरा पाँव आज बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं इतना तो ज़्यादा घूमती फिरती नहीं हूँ गाइस, जो कि मेरा पाँव वगैरह में इतना दर्द होगा। गाड़ी गाड़ी ही ज़्यादातर घूमती हूँ, नहीं तो अगर भी थोड़ा बहुत जाती हूँ तो आसपास ही जाती हूँ, ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ता है। बट आज तो दुबई मॉल घूम कर मेरा पाँव का जो आज हालत हुआ है ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। और इसी के बीच आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।